बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस शॉर्ट ट्यूटोरियल में आई विल गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ लर्निंग इनपुट आउटपुट फंक्शंस जनरल सेटिंग्स। हम मशीन लर्निंग के कोर्स में जितने भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, चाहे वो ID3 एल्गोरिदम हो, चाहे वो नैव बेस हो, फाइंडस हो, कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पढ़ेंगे, वो इसके गिर्द रिवॉल्व करता है, लर्निंग इनपुट आउटपुट फंक्शंस जनरल सेटिंग्स। What is to be learned? हम different चीज़ें learn कर सकते हैं, functions, program, finite state machine, grammar, problem solving system। जो हमारा learning का focus है इस course में वो function के ऊपर है। Concept learning या function learning दोनों का एक ही मतलब है। हम पहले discuss कर चुके हैं कि concept learning is a major subclass of inductive learning approach। Inductive learning क्या है? Learning From examples, learning from examples। आप इस कोर्स में देख रहे होंगे कि कोई भी प्रॉब्लम हो, हम उसकी एग्जाम्पल्स लेते हैं और उससे लर्न करते हैं। इस अप्रोच को कहते हैं इंडक्टिव लर्निंग अप्रोच। अब ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ मशीन लर्निंग रिवॉल्व अराउंड लर्निंग इनपुट आउटपुट फंक्शंस। लर्निंग इनपुट आउटपुट फंक्शन का जो दूसरा नाम है वो फंक्शन लर्निंग है, और हम इसको कॉन्सेप्ट लर्निंग भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारा अल्टीमेट गोल है कि हम एक फंक्शन लर्न करना चाहते हैं। उस फंक्शन को मशीन लर्निंग में हम कहते हैं टारगेट फंक्शन एफ। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा अल्टीमेट गोल है एक फंक्शन लर्न करना, और उस फंक्शन को हम कहते हैं टारगेट फंक्शन एफ। लर्निंग इनपुट आउटपुट फंक्शन को फंक्शन लर्निंग भी कहते हैं और कॉन्सेप्ट लर्निंग भी कहते हैं। जो कॉन्सेप्ट लर्निंग है, बेसिकली द गोल ऑफ द लर्नर इज टू लर्न अ टारगेट फंक्शन एफ, जिसको हम कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, फ्रॉम डेटा, और डेटा से मुराद है सेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स। लर्नर से क्या मुराद है? मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। लर्नर रेफर्स टू अ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। तो अगर हम इसको समराइज करें कि जितने भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम हम इस कोर्स में पढ़ेंगे, दे बेसिकली वांट टू लर्न अ टारगेट फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम वॉन्ट्स टू लर्न अ टारगेट फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स। अब जो लर्नर है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, इसके लिए इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है? तो कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम हो या लर्नर हो, उसको हम दो चीजें इनपुट करते हैं। पहला है सेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स, कैपिटल डी, और दूसरा है सेट ऑफ फंक्शंस और हाइपोथेसिस, ऑल्सो नोन एज हाइपोथेसिस स्पेस। अब आउटपुट क्या करेगा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आपको? बेसिकली याद रखें कि लर्निंग इज अ सर्चिंग प्रॉब्लम। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम हाइपोथेसिस स्पेस को सर्च करेगा यूजिंग सेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स, और एक हाइपोथेसिस रिटर्न करेगा फ्रॉम सेट ऑफ हाइपोथेसिस व्हिच इज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द टारगेट फंक्शन एफ। अब ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ द टारगेट फंक्शन एफ। याद करें हमारा गोल था टू लर्न टारगेट फंक्शन एफ, लेकिन हम टारगेट फंक्शन एफ को लर्न नहीं कर सकते, हम इसकी अप्रोक्सीमेशन को लर्न कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन ऑफ टारगेट फंक्शन एफ इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ये मैं आपको भी नेक्स्ट स्लाइड्स में बताता हूं कि टारगेट फंक्शन क्यों नहीं लर्न हो सकता। एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने हाइपोथेसिस स्पेस को सर्च करना है यूजिंग सेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स, तो हमें अपनी हाइपोथेसिस स्पेस पहले से डिफाइन करनी पड़ेगी। और एक पॉइंट याद रखें कि जिस टारगेट फंक्शन एफ को हम सर्च कर रहे हैं, हो सकता है वो हमें हाइपोथेसिस स्पेस में मिले और हो सकता है ना मिले, हो सकता है ये बात हमें पहले से पता हो और हो सकता है ना पता हो। ये डायग्राम मैंने बनाई है लर्निंग इनपुट आउटपुट फंक्शंस की जनरल सेटिंग्स की। अगर आप देखें, दरमियान में लर्नर है, और लर्नर से मुराद अगेन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। इसको दो चीजें हम इनपुट दे रहे हैं, सेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स और दूसरी है सेट ऑफ हाइपोथेसिस। लर्नर या मशीन लर्निंग एल्गोरिदम क्या करेगा? इट विल सर्च द हाइपोथेसिस स्पेस
using the set of pain examples, and it will return a hypothesis H, which is an approximation of the target function F. इस H को हम machine learning में model भी कहते हैं. अब ये जो question है, why we cannot completely learn a target function F? मैंने भी आपको बताया था कि target function F cannot be completely learned. We can only learn approximation of target function F called hypothesis. उसकी reason क्या है? कि जो इंडक्टिव लर्निंग है, इट हैज स्कोप ऑफ एरर. व्हेनेवर यू लर्न फ्रॉम एग्जांपल्स, यू हैव स्कोप ऑफ एरर. और कॉन्सेप्ट लर्निंग या फंक्शन लर्निंग इज अ मेजर सब क्लास ऑफ इंडक्टिव लर्निंग अप्रोच. इसलिए जब हम टारगेट फंक्शन एफ लर्न करेंगे तो उसमें भी एरर होगी. इसलिए हम टारगेट फंक्शन एफ को परफेक्टली लर्न नहीं कर सकते. हम टारगेट फंक्शन एफ की अप्रोक्सीमेशन को लर्न करते हैं, जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं. इसलिए आप लास्ट लाइन को पढ़ें कि हाइपोथेसिस एच इज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द टारगेट फंक्शन एफ. अगर हम लर्निंग इज अ सर्चिंग प्रॉब्लम अगेन समराइज करें इसे, तो लर्नर को दो चीजें दी जाती हैं, सेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स कैपिटल डी और सेट ऑफ हाइपोथेसिस और फंक्शंस, जिसको हम हाइपोथेसिस स्पेस भी कहते हैं. और जो लर्नर है उसकी जॉब क्या है? लर्नर विल सर्च द हाइपोथेसिस स्पेस यूजिंग द सेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स and a hypothesis H from hypothesis space which best fits the set of training examples. अब यहाँ एक और problem arise होता है. वो problem ये है कि machine is dumb. Machine ना तो training example को understand कर सकती है, और machine ना ही set of functions या hypotheses को understand कर सकती है, because machine is dumb. अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपनी ट्रेनिंग एग्जांपल की रिप्रेजेंटेशन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? और इसके साथ साथ हमें अपने हाइपोथेसिस स्पेस की भी रिप्रेजेंटेशन को चेंज करना पड़ेगा. हमें अपनी ट्रेनिंग एग्जांपल्स और हाइपोथेसिस ऐसे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करनी है जिसको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स अंडरस्टैंड कर सकें. अब मैं अगली स्लाइड्स पे सेपरेटली डिस्कस करूंगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट ट्रेनिंग एग्जांपल so that machine learning algorithms can understand them, and how to represent functions or hypotheses so that machine learning algorithm can understand them. Agar aap iski heading dekhe slide ki, to ye important hai. The word is representation of training examples. To yaad rakhein, very often training examples are represented as attribute value pair. Aap decision tree learning ke lecture mein bhi dekhenge ki jo training examples hain wo attribute value pair ki form mein represent hui hain. और जो वैल्यूज ऑफ एटीब्यूट्स हैं वो मेनली या तो कैटेगोरिकल होती हैं या न्यूमेरिक. डिसीजन ट्री लर्निंग के लेक्चर में जो वैल्यूज ऑफ एटीब्यूट्स हैं वो कैटेगोरिकल हैं. यहां पे मैंने डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के नाम लिखे हैं, फाइंड एस, लिस्ट एंड एलिमिनेट, कैंडिडेट एडमिशन एल्गोरिदम, डिसीजन ट्री लर्निंग, ID3 है, J48 है, रैंडम फॉरेस्ट है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हैं जिसमें मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स हैं, डीप न्यूरल नेटवर्क्स हैं, बेसिन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं जिनमें नेइव बेस है, इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग है जिनमें KNN है. अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये मैंने जितने एल्गोरिदम्स लिखे हैं ये सारे के सारे ट्रेनिंग एग्जांपल को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर. तो आप देखें कि ये कॉमन फिनोमेन है. इसलिए मैंने लास्ट स्लाइड पर जो वर्ड यूज किया था वो यूज किया था वेरी ऑफन. आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कि वेरी ऑफन. तो आप देखिए हमने जितने एल्गोरिदम्स इस कोर्स के अंदर पढ़े हैं उन सारे एल्गोरिदम्स के अंदर जो ट्रेनिंग एग्जांपल की रिप्रेजेंटेशन है इट इज इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर. अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपोथेसिस. अब ये पहला सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपोथेसिस मे वेरी फ्रॉम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम टू मशीन लर्निंग एल्गोरिदम. फॉर एग्जाम्पल अगर हम तीन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को देखें, फाइंड एस, लिस्ट एंड एलिमिनेट एंड कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिदम, तो इसमें जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपोथेसिस है वो है कंजंक्शन ऑफ कंस्ट्रेंट्स ऑन एट्रीब्यूट्स. लेकिन अगर हम ID3 एल्गोरिदम को देखें जो हमने डिसीजन ट्री लर्निंग एल्गोरिदम के लेक्चर में पढ़ा है, तो उसमें जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपोथेसिस है वो है डिसजंक्शन ऑफ कंजंक्शन ऑफ कंस्ट्रेंट्स ऑन एट्रीब्यूट्स. और अगर हम रेगुलर न्यूरल नेटवर्क या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की बात करें या डीप न्यूरल नेटवर्क्स की बात करें, तो
उसमें जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपोथेसिस है वो है कंबिनेशन ऑफ वेट्स बिटवीन यूनिट्स। तो आप गौर करें कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपोथेसिस है इट वेरीज फ्रॉम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम टू मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। इस कोर्स के अंदर हमने जितने भी एल्गोरिदम्स पढ़े हैं उनकी मैंने दो रिप्रेजेंटेशंस बड़ी क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। आप ID3 एल्गोरिदम देखिएगा डिसीजन ट्री लर्निंग के लेक्चर में, उसमें मैंने बड़ा क्रिस्टल क्लियर करके रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग सैंपल भी आपको बताई है विच इज इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर, और ID3 एल्गोरिदम के लिए मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपोथेसिस भी बताई है, वो है डिसजंक्शन ऑफ कंजंक्शन ऑफ कंस्ट्रेंट्स ऑन एट्रीब्यूट्स। तो अगर मैं इस सारे को समराइज करूं तो इसकी समरी ये है कि कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम हो उसको आपने दो चीजें इनपुट करनी है, नंबर वन सेट ऑफ ट्रेनिंग सैंपल और नंबर टू सेट ऑफ हाइपोथेसिस। लर्निंग इज अ सर्चिंग प्रॉब्लम, लर्नर विल सर्च द हाइपोथेसिस स्पेस यूजिंग सेट ऑफ ट्रेनिंग सैंपल टू फाइंड वन सिंगल हाइपोथेसिस विच बेस्ट फिट्स द ट्रेनिंग डेटा। वी वॉन्ट टू लर्न टारगेट फंक्शन एफ बट वी कैन नॉट लर्न इट, we can only learn approximation of target function f, and approximation of target function f is called hypothesis. aur ye main pehle bata chuka hu ki main phir summarize kar raha hu ki target function f cannot be completely learned because jo concept learning hai ya function learning hai it is a major subclass of inductive learning and inductive learning has scope of error. aur aakhri point jo note karne ka hai main dobara yahan se quickly repeat kar deta hu के लर्नर को दो चीजें चाहिए, सेट ऑफ ट्रेनिंग सैंपल और सेट ऑफ हाइपोथेसिस, लेकिन मशीन इज डम, इट कैन नॉट अंडरस्टैंड ट्रेनिंग सैंपल्स एंड हाइपोथेसिस, देयरफॉर वी विल नीड टू चेंज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग सैंपल एंड हाइपोथेसिस इन सच अ फॉर्मेट विच कैन बी अंडरस्टूड बाय मशीन। तो जो ट्रेनिंग सैंपल्स की रिप्रेजेंटेशन है वेरी ऑफन इट इज इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर, ये आप काफी सारे एल्गोरिदम्स देख सकते हैं ये सब एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग ट्रेनिंग सैंपल्स, और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपोथेसिस है इट विल वेरी फ्रॉम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम टू मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। दैट्स इट क्लास, होपफुली ये आपको क्लियर कर देगा कॉन्सेप्ट कि ट्रेनिंग एग्जाम्पल की रिप्रेजेंटेशन हाइपोथेसिस की रिप्रेजेंटेशन और हाइपोथेसिस क्या है। हैव अ गुड डे, अस्सलाम वालेकुम।